सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा जो है ये आज की डिबेट्स हैं दुनिया की जिसके लिए पूरी दुनिया ने एग्री किया है कि कम अज़ कम ट्वेंटी थर्टी तक ये वो एजेंडा है जिस पर काम करके दुनिया को हमने आगे लेके जाना है ट्वेंटी फिफ्टीन तक एम थे मिलेम डेवलपमेंट गोल्स और आज दुनिया ने जिस पर एगरी किया हुआ है जो डेवलपमेंट का एजेंडा है पूरी दुनिया का दैट इज द एस डी जीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवेलपमेंट इट्सल्फ इज अ कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दे आर ओन नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पूरी डिबेट पूरी जो इसकी डेफिनेशन है और जो इसका थीम्स हैं पूरी इसकी जो थियोलॉजी है इसका जो आइडोलॉजिकल सेंस है वो कहती है इसकी जो थ्योरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि दुनिया में अब जो अक्रॉस द ग्लोब, जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उन्हें ऐसे यूज़ किया जाए कि आज की ज़रूरतें भी वो पूरी करें लेकिन आने वाली जनरेशन की भी नीड्स जो हैं एबिलिटी उन वो भी काबिल रहें कि वो अपनी नीड्स जो हैं सिस्टम से पूरी कर सकें ये नहीं हो कि आज के इंसान इतने ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर ले कि कल को आने वाले जो लोग हैं वो जो हैं उनसे महरूम रह जाएँ या उनकी ज़रूरतें ही पूरी ना हो सकें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है नीड टू प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उन पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीन मेन पिलर्स हैं फ़र्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक के इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों उनका एक सर्टन बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड्स हों उनको पावर्टी से निकाल के उनको इकोनॉमिक वेलबींग well हो और वो सस्टेनेबल हो कम अज़ कम इतने उनको ज़रूर इकोनॉमिक सपोर्ट मिले कि वो अपनी जो लिविंग्स हैं लाइवलीहुड्स हैं उनको वो मीट कर सकें इन्वामेंटल है कि इन्वामेंट को यूज़ तो किया जाए उसका मिस यूज़ और अब्यूज़ नहीं किया जाए और उसको ऐसे डिग्रेड नहीं किया जाए कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो उससे बेनिफिट्स ना ले सकें सोशल सस्टेनेबिलिटी है कि सोशल सिस्टम जो हैं वो लैंगवेज़ हैं वो कल्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको बिल्कुल भी टम्पर नहीं किया जाए ख़त्म नहीं किया जाए उन आइडेंटिटीज़ को मैंटेन रखा जाए डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटी दैट इज़ नॉट अ वीकनेस Sustainable development is the development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Environment, sustainable development or environment. Environmental sustainability is defined as responsible interaction with the environment to avoid depletion or degradation of natural resources and allow for long-term environmental quality. जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की डिबेट्स हैं वो कहती हैं कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स हैं नेचुरल रिसोर्स इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंट उनको ऐसे यूज़ किया जाए कि उनकी डेपोल्यूशन नहीं हो उनकी डिग्रेडेशन नहीं हो उनको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए और उनको लॉन्ग टर्म जो है उनकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए कि जितने रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं हम एकोसस्टम में से इन्वामेंटल रिसोर्स को ऐसे सिस्टम्स इमर्ज किए जाएँ कि उतना वो रिचार्ज भी हो सके उसकी एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि जैसे वाटर होता है अगर अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो वो वाटर किसी ना किसी जगह से रिचार्ज भी हो रहा होता है लाहौर के अंडरग्राउंड वाटर को लें तो इसके रिचार्ज का जो नेचुरल सोर्स है वो रावी रिवर है कि रावी रिवर जब तक बहता है साथ साथ बहता है तो नेचुरली वो एक जो है उसका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहता है जितना आप यूज़ करते हैं उतना रिचार्ज होता है दूसरा ये है कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ कि आप ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबल सिस्टम्स बनाएँ लोगों को अवेयरनेस दें कि ये प्रीशियस रिसोर्स है आप इसे अब्यूज़ ना करें इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना ताकि यूज़ मिनिमम हो ऐसे सिस्टम्स बनाना कि बारिश का पानी जमा करके कहीं उसके पाउंड बनाए जाएं जिनमें से वो दोबारा सक कर सके जमीन और उसकी जो सिपेज है उससे दोबारा वो जो वाटर टेबल अभी दस साल पहले जो लाहौर में अंडरग्राउंड पानी सिक्सटी या सेवेंटी फ़िट पे होता था आप डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ फ़िट पे और ओल्ड सिटी में छः छः सौ फिट पर नहीं मिलता तो उसको किसी तरह रिवर्स किया जाए तो ये बेस्ट एग्जांपल है इन, इन्वायरमेंटल सस्टेनबिलटी की कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज़ज़ को नेचुरल रिसोर्स को अगर यूज़ किया जा रहा है तो उनको इस तरह से यूज़ करना और उसके लिए ऐसे सिस्टम्स बनाना कि जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल सिस्टम से ज़्यादा उतना ही रिचार्ज भी हो सके हम इन्वायरमेंटल अब्यूज़ नहीं कर रहे हों कि कोई डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन ना बनाएं, कि इन्वायरमेंटल रिसोर्स को इतना यूज़ करें और इतना उनको मिस यूज़ करें या अब्यूज़ हो रिसोर्स का कि कोई डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन पैदा हो जाए